हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे रामबन का ये गेट है, यही प्रवेश द्वार है। हालांकि इन दिनों पीछे से भी एक गेट है, ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि बस वाले तो वहीं छोड़ देते हैं। और अगर आप लोग ऑटो से आएंगे या खुद के वाहन से आएंगे तो आपको पहले यही मेन गेट मिलेगा। तो जैसा कि आप सब लोगों ने बोला था कि हमें रामबन का वीडियो देखना है, तो मैं अपनी बात को पूरी करते हुए रामबन का वीडियो लेकर आ गई। आप लोग भी अपनी बात पूरी करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ये है रामबन का मेन गेट। आप जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा। अगर आप लोग गाड़ी वाहन कार किसी से भी आएंगे तो यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पे टिकट लेके अपनी गाड़ी कहीं भी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अंदर घुसेंगे तो आपको ये एक गेट मिलेगा, जिसमें श्री राम प्रभु और उनके मित्र की प्रतिमा बनाई गई है। और अंदर आप लोग ये देख सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत के नीचे का दृश्य दर्शाया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी थी। और इसके बाद जब आप इधर आएंगे तो अगर आपको यहाँ पौराणिक चीज़ें, जो मूर्तियाँ, जो सब कुछ रखा हुआ है उसको देखना है, तो आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। उसके बाद ही आपको वो सब देखने का अवसर मिलेगा। और यहाँ पे रामबन का एक मेन गेट भी लिखा होगा, जिसमें पहले लिखा था कि राम बनाइए, राम बन जाइए। वर्तमान टाइम पे तो वो मिट चुका है। ये है रामबन का पोस्ट ऑफिस। इसमें आप डाक कहीं भी भेज सकते हैं। पता नहीं किसी ज़माने में यूज होता रहा होगा ये पोस्ट बैंक, अब तो शायद इसे कोई भी यूज नहीं करता होगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब डिजिटल हो गई हैं। ये एक बहुत ही प्यारा बंगलो है, जो अतिथियों के लिए है। जो यहाँ पे चीफ गेस्ट और स्पेशल लोग आते होंगे उनके रुकने की ये सुविधा है। इसे अतिथि गृह टाइटल भी दिया गया है इस घर में। बाकी रामबन का हर एक कोना बहुत ही खूबसूरत नकाशे से बनाया गया है, बहुत सुंदर है रामबन। आप लोग भी कभी अपने घर से टाइम निकाल कर यहाँ आने की कोशिश जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मूर्तियाँ मैंने जूम करके लेने की कोशिश की, इसके पास तो जा नहीं सकते थे। इसके बाद मिलेंगे आपको भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ। और इसके आजू बाजू जितनी भी ये दीवारें हैं उसमें रामायण का हर एक सीन और दोहा चौपाई, जो सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। सच में वीडियो से ज़्यादा तो ये रियल में देखने में सुंदर है। ये पार्क बहुत अच्छा है। यहाँ रामायण की हर एक सीन, रामानंद सागर द्वारा रचित रामायण, दूरदर्शन के दृश्य लगाए गए हैं और तुलसी बाबा के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के दोहे लिए गए हैं। इस पार्क में थोड़ी थोड़ी दूर में बैठने की भी सुविधाएँ हिडन रूप में की गई है। यहाँ पे लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आसानी से बैठ जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। इस बाउंड्री के अंदर वाला पार्क नॉर्मली रूप में हमेशा लॉक ही रहता है। ये एक बंगलो है कृष्णयान, इसे मैंने जब भी देखा हमेशा लॉक ही रहा है। पता नहीं ये किस उद्देश्य से बना है और किसके लिए बना है, हमेशा तो लॉक ही रहता है, पर बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब मिलेगा रामबन का मोस्ट पॉइंट, ये बजरंगबली जी का मंदिर, जो उतना ही फेमस है जितना कि रामबन। रामबन की चर्चा जहाँ भी होगी वहाँ बजरंग बली की, इस प्रतिमा की तो हमेशा ही होगी। लोग इसे बहुत ही श्रद्धा भाव से दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे वर्तमान टाइम में काम चल रहा था, शायद सीढ़ियों में टाइल्स लगाने का काम ये लोग करवा रहे थे, इसलिए यहाँ पे सारी उथल पुथल मची हुई थी। आप लोग दर्शन कर सकते हैं मोस्ट। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल में जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे तो कुछ क्षण के लिए वो रामवन में रुके थे, इसलिए रामवन का प्रचलन है। भगवान जहाँ कुछ क्षण रुके हों वह भूमि बहुत ही पवित्र हो जाती है और अपने आप में एक तीर्थ हो जाती है। आप लोग यहाँ पे प्रसाद भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग दुकानें खोल के रखे हैं जिसमें बच्चों के खिलौने, माला, प्रसाद, लड्डू, भोग इत्यादि आपको आसानी से मिल सकता है। आप यहाँ से प्रसाद लेके मंदिर में जाके भगवान जी का भोग लगा सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। अब आप लोगों को थोड़ी रामबन की स्टोरी बता देती हूँ। सतना जिले से करीब 14 किलोमीटर दूर रामपुर बघेलान के रामबन में मौजूद ये मूर्ति पर्यटकों के लिए अति आकर्षक केंद्र है। कहा जाता है कि ये शाश्वत है कि हर साल इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, यही वजह है कि हजारों पर्यटक देखने आते हैं। रामबन नाम सुनते ही प्रतीत होता है कि यहाँ भगवान राम की प्रतिमा या दर्शन स्थल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस स्थान पर बजरंग बली की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। रामवन में होने की वजह से इन्हें रामवन हनुमान कहा जाता है। हर साल पर्यटक बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। वैसे तो मूर्तियों को लेकर कई धारणाएं हैं, लेकिन एक खास धारणा जिसकी वजह से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं वह ये है कि मूर्ति की ऊंचाई प्रतिवर्ष खुद ब खुद बढ़ जाती है। यही वजह है कि शहर के किसी भी कोने में खड़े होने पर यह बजरंगबली के दर्शन किए जा सकते हैं। विद्वान अभय मुद्रा की इस मूर्ति की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कहा जाता है कि रामबन में स्थापित ये मूर्ति आशीर्वाद प्रदान करते हुए है, जो कि यहां आने वाले अनेक भक्तों का सदैव कल्याण करती है।
रामबन की पूर्व दिशा में एक बहुत ही सुंदर सरोवर तालाब आपको देखने के लिए मिलेगा, और तालाब के उस पार अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर मंदिर देखने के लिए मिलेगी, जो कि राजा महाराजाओं के ज़माने की होगी। वो उसकी कलाकृति इतनी सुंदर है कि लोग उसे देखें तो देखते ही रह जाएं। यह मंदिर मुझे लगता है मुगल काल की तो होगी ही। ऐतिहासिक मंदिरें, महल, पुस्तकें, स्टोरियाँ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मुझे ऐसी जगह में जाना बहुत अच्छा लगता है जिसमें हमें अपनी पिछली पीढ़ियों के बारे में जानने का अवसर मिले, उनकी कलाकृति, उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। हमें यह सब जानने के बाद अपार हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। तालाब के पास ये जो मंदिर निर्मित किया गया था, इसके इष्ट देव मुक्ता भोलेनाथ ही थे। यह शिव जी का मंदिर था। बहुत ही मनोहर और प्यारा दृश्य था। इसके आजू बाजू बहुत ही सुंदर नकाशी की गई है हर एक चीज़। इसकी मंदिर की मजबूती इतनी है जैसे अभी इसका निर्माण किया गया है। और इसके ये दरवाजे बहुत ही अट्रैक्टिव थे, इधर से जाओ और उधर से निकल जाओ बीच बीच में। और ये मंदिर के ऊपर वाले पार्ट में जाने के लिए गेट लगा हुआ था। इस गेट में तो लॉक लगा दिया था किसी ने, और मैं हाथ से खोलने की कोशिश कर रही थी कि मैं भी ऊपर जा पाऊँ, पर ऐसा कुछ तो कर पाना पॉसिबल था ही नहीं। कुछ लोग तो मंदिर जैसी पवित्र स्थलों को अभी नहीं छोड़ते। यहाँ पर कुछ लोग आए थे जो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम अंकित करके गए थे और अपना मोबाइल नंबर भी दे के गए थे। शायद इस उद्देश्य से ही लिख के गए होंगे कि कोई मुझे फ़ोन लगाए। भैया, अपने आप को इतना सस्ता मत समझो और अपने करियर में ध्यान दो। अगर आप कामयाब हो जाओगे ना तो आपके पीछे लाइन लगेगी, ना कि आप किसी के पीछे लाइन लगाओगे। मंदिर के अंदर इतनी छोटी छोटी मंदिरें बनाई गई थी, और उन मंदिरों के अंदर जाने से इतने आपको आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। अगर आप धूप में नहीं जाना चाहते, बारिश में नहीं जाना चाहते, तो मंदिर के अंदर ही अंदर चल के आप परिक्रमा लगा सकते हैं और भगवान जी के पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हैं। यह बहुत ही प्यारा मंदिर था गाइस। पहली बार मैं भी गई थी। मैं रामबन तो हमेशा जाती रहती हूँ, पर इस मंदिर के बारे में मुझे इससे पहले कुछ भी पता नहीं था। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। आप लोग जब रामबन गए थे तब आपको कैसा लगा था? और यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। यही भगवान जी हमको मिले ही प्रणाम करने के लिए, क्योंकि अंदर के तो सारे भगवान जी लॉक ही थे, क्योंकि हम लोग दोपहर में ही जाते हैं और दोपहर में अधिकतर मंदिरें लॉक रहती हैं। सुबह और शाम को जाने का जुगाड़ नहीं बन पाता। भगवान जी के माथे से सिंदूर लेकर अपने माथे में लगाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने माथे में लगा। गाइस, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ जो शिवजी की मूर्ति स्थापित की गई थी वह बहुत ही मनोहर और मनभावन थी। भगवान भोलेनाथ किसको नहीं पसंद होंगे। अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो शिवजी आपके इष्ट होने के बहुत 50% चांसेस हैं कि आप शिवजी के भक्त हों। श्रावण का महीना भी चल रहा है और आज सोमवार भी है, तो एक बार भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगा देना जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो गाइस। अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप लोग रामबन जरूर आ सकते हैं। रामबन बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ आप आकर खुलकर चिल कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं और बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। ये भगवान शायद किसी राजा महाराजा के ज़माने के रहे होंगे। ये मंदिर बहुत ही सुंदर थी। मंदिर का पूरा वीडियो कम्प्लीट हो गया था। अब वापस आते हैं रामबन में। तो रामबन में मोस्ट पॉइंट ये है कि रामबन आप कभी भी आइए तो आपको ये माँ, दादी माँ, पता नहीं कौन, ये भीख मांगते हुए लोग जरूर आपको मिलेंगे और आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो गाइस, इन लोगों के लपेटे में कभी मत आना। रामबन में बजरंगबली की मंदिर और वो तालाब वाली मंदिर के अलावा भी बहुत सारी मंदिरें हैं। दोपहर का टाइम था तो सारी मंदिरें लॉक थी, इसलिए हम उनको नहीं ले पाए। ये आ गई वापस मैं हिडन पार्क में। ये है कपल्स पॉइंट। आप यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, और टॉप सीक्रेट सीटें हैं ये। ये रामबन का जलपान ग्रह मतलब कैंटीन पॉइंट है। आप यहाँ पे आकर अपनी पेट पूजा कर सकते हैं, ठंडा पानी ले सकते हैं, ठंडी आइसक्रीम ले सकते हैं, आपका जो कुछ भी मन करे आपको यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। ये कैंटीन हमेशा ओपन रहती है। आप कभी भी जाएंगे आपको यहाँ आसानी से खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये रहा कैंटीन के अंदर का दृश्य। आप देख सकते हैं कि ऐसे टेबल कुर्सियाँ हैं, ऐसे बैठने की सारी व्यवस्थाएँ हैं, पंखा लगा हुआ है। हाँ, इसमें एसी ज़रूर नहीं है। आपको मेनू कार्ड मिलेगा, आप कुछ भी ऑर्डर करो यहाँ से बन के आ जाएगा। और इधर आप बिलिंग पॉइंट, यहाँ पर बिल दे सकते हैं। हालांकि ये बरसात का मौसम था तो हरियाली काफ़ी थी पार्क के अंदर, लेकिन हरियाली के साथ साथ बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी थी। सफाई का उतना मेंटेनेंस नहीं रखा गया था। पार्क काफ़ी पुराना हो गया है इसलिए थोड़ा थोड़ा डैमेज भी होना शुरू हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की क्या दशा हो गई है। भाई, प्रभु श्री राम का ये पंचवटी का सीन है और उनके पास अस्त्र शस्त्र ही नहीं है। बिना धनुष बाण के भगवान मृग को मारने कैसे जाएंगे और अपने भाई की और माता सीता की रक्षा कैसे करेंगे? भला कोई ऐसा भी करता है? भगवान के ही अस्त्र शस्त्र छीन लिए गए हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के निहत्ते बैठे हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो भाई, आप कहीं भी जाया करें, अगर आप उसे सुंदर नहीं बना सकते तो उसे कुरूप भी मत बनाइए। किसी भी चीज को तोड़ने फोड़ने से आप लोगों को क्या मिलता होगा?
राम मन के हर कोने में आपको ये औरतें जरूर मिलेंगी और ये हमेशा पैसे मांगती रहती हैं। तो गाइस प्लीज इनको कभी भी पैसे मत देना, क्योंकि ऐसे में हम भिखारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों, काम करके अपना पेट नहीं भर सकते? हमारे वेद शास्त्रों में भी सिखाया गया है कि मांगन मरण समान है, तो मांगना नहीं चाहिए। आप कुछ भी करो, आपका अपना खुद का पेट नहीं भर सकते। हम दुनिया के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पर अपने लिए तो कर सकते हैं। इतना स्वावलंबी तो हमें होना चाहिए। और आजकल भीख मांगना भी एक व्यवसाय बन गया है। लोग इसे शौक से इस व्यवसाय को अपना रहे हैं और सोचते हैं कि काम में मेहनत कौन करे, बिना मेहनत किए अगर पैसे मिल रहे हैं तो ये काम सबसे अच्छा और बेटर ऑप्शन है। इसके बाद हमको एक छोटा सा पार्क और मिलेगा जिसमें ऋषि मुनि हैं। चित्रकूट में जितने भी ऋषि मुनि थे उनको थोड़ा थोड़ा करके दर्शाया गया है। प्रभु श्री राम जी जिनके पास गए थे, महान महान मुनियों को यहाँ पे मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। ये जो बोर्ड है काफ़ी पुराना होने की वजह से इसमें लिखी गई सूचनाएं अब वैसी नहीं रही, सारी चीज़ें मिट चुकी हैं। 3-4 साल पहले जब भी हम इस पार्क में आते थे तो इसकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती थी। शायद बारिश की वजह से ही डैमेज टाइप में दिख रहा है। हाँ, हरियाली जरूर भरपूर मात्रा में थी, पर साफ सफाई पूर्णता यहाँ पर लुल ही थी। राम वन में आने वाले लोगों की कतारें आज भी उसी तरह हैं। काफ़ी लोग हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। आप किसी भी टाइम में जाएं, मॉर्निंग इवनिंग हर टाइम पे आपको लोग यहाँ भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलेंगी। यकीन मानिए गाइस, आप जब कभी भी राम वन घूमने के लिए आएंगे आपको बिल्कुल ऐसा ही राम वन देखने के लिए मिलेगा। तो घर बैठे हमारे साथ पूरा राम वन घूमिए। वीडियो में काफ़ी हरा भरा और प्राकृतिक वातावरण से भरपूर यह राम वन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अपनी ज़िंदगी में एक बार राम बनाने की कोशिश जरूर करें अगर आप कहीं बाहर से हैं। और अगर आप सतना प्रॉपर से हैं तो आप तो गए ही होंगे, फिर इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर एक जानकी माता की बहुत प्यारी सुंदर सी प्रतिमा विराजमान थी, यह बहुत सुंदर थी। हाय गाइस, हम लोगों का पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है और थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद भी काफ़ी गर्मी है। उमस के कारण देखिए चेहरे के 12 बज चुके हैं। तो इसी के साथ अब हम अपने वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।